हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्कूटर्स की ओर से सितंबर क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। अनऑडिटेड रिजल्ट आउट हो चुका है। हाफ ईयर एंडेड और क्वार्टर एंडेड का रिजल्ट है जो कि आज इस वीडियो में कवर करेंगे। नंबर लैक्स में है। इनकम की बात की जाए तो लास्ट ईयर के सेकेंड क्वार्टर में इनकम था 206 करोड़ का और लास्ट क्वार्टर में था 85.7 करोड़ का। और इस बार का जो क्वार्टर में इनकम आया है करेंट क्वार्टर में 163.3 करोड़ का इनकम है। इनकम क्वार्टर ऑन क्यू ऑन क्यू में डाउन है, लेकिन ये इंक्रीज है लेकिन ईयर ऑन ईयर में डाउन होता हुआ देखने को मिला है। एक्सपेंस हुआ 6.1 करोड़ का लास्ट क्वार्टर में, लास्ट ईयर में अगर देखा जाए तो, और इस लास्ट क्वार्टर में 6.2 करोड़ का, और सितंबर इस बार में जो है 2.7 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंसेस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में भी डाउन हुआ है, जो कि एक्सपेंसेस वह बहुत कम किया क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में। लेकिन पिछले क्वार्टर में मतलब कि जून 24 में 14 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम्स में लॉस हुआ था, जिसके कारण कंपनी को 11.7 करोड़ का लॉस देखने को मिला था। लेकिन करंट क्वार्टर में 160.6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, और जो लास्ट क्वार्टर में अगर देखिएगा तो 199.9 करोड़ का प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है लेकिन ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। आफ्टर टैक्स कंपनी का प्रॉफिट लास्ट ईयर में 197.7 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 8.2 करोड़ का, और करंट क्वार्टर में 151 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है लेकिन ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला, और डाउन होने का रीजन क्या है, कंपनी का इनकम में डाउन होना, क्योंकि कंपनी का इनकम बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी, इसके कारण प्रॉफिट में भी फॉल देखने को मिला है। और ईपीएस है 132.3 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है लेकिन ईयर ऑन ईयर में डाउन है। सेगमेंट वाइज कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग, अनएलोकेबल, इन सभी से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, लेकिन इस बार रेवेन्यू बहुत ज़्यादा डाउन है। और यहाँ पे रेवेन्यू में डाउन, इनकम इसलिए डाउन हो क्योंकि अदर, यहाँ पे डिविडेंड जो है इस बार कंपनी को 156.2 करोड़ का इस बार कंपनी को डिविडेंड इनकम हुआ था, और यही रीज़न है ईयर ऑन ईयर में डाउन होने का और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज होने, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में अगर देखिएगा ना तो इनकम जो है डिविडेंड इनकम एकदम नहीं हुआ था, जीरो था डिविडेंड इनकम, इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट देखने को मिला क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट ईयर ऑन ईयर में प्रॉफिट में बहुत बुरी तरह से गिरावट आई डिविडेंड इनकम के कारण। अदरवाइज, और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इसके अलावा जो इनकम में गिरावट आया इसके कारण है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स, मतलब सेल्स ऑफ गुड्स का में जो है सो 52 लाख इस बार इनकम है, जबकि लास्ट ईयर में 3.2 करोड़ का इनकम था। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कंपनी का प्रॉफिट में गिरावट आने का, ये दो कारण से कंपनी का प्रॉफिट में इस बार गिरावट देखने को मिला है। देखिए रिजल्ट कंपनी का जो आया है 11:17 PM में इसका रिजल्ट आया है कंपनी का, और अगर हम इसके शेयर की बात करें तो कंपनी का शेयर 12,350 रुपीज़ पर शेयर ट्रेड कर रहा है, जो कि 6.5% का प्रॉफिट दिया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप होता हुआ देखने को मिला, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर की इनकम प्रॉफिट इंक्रीज किया, इसी वजह से कंपनी का शेयर में थोड़ा सा अच्छी ग्रोथ देखने को मिला। 5 डे में 4.9% का प्रॉफिट है, 1 मंथ में 1.2% का प्रॉफिट है। 17 अक्टूबर का एक सपोर्ट लिया था लेकिन उसके बाद कंपनी के शेयर में कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिला, लास्ट 2 कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग डे से एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिला, मोमेंटम देखने को मिला। तो गाइज रिजल्ट इसका जो है अच्छी इम्पैक्ट भी दिया, लेकिन हाँ ईयर ऑन ईयर में जो डाउन हुआ इसके बाद थोड़ा बहुत कंपनी के शेयर को इम्पैक्ट कर सकता है। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।